नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास वीवो मोबाइल है और आप हार्ड रीसेट करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इस मोबाइल में यदि आप हार्ड रीसेट कर रहे हो तो गूगल आईडी को आपको लॉग आउट करना है। यदि आपको गूगल आईडी यदि आप लॉग आउट नहीं करोगे तो इसमें आपको मुसीबत आ सकती है, क्योंकि इसमें जो वेरीफाई ईमेल मांग रहा है कुछ सेटों में ऐसा आता है, वीवो की कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ सेटों में आता है। तो इस सेट में मैं बता दूँ आपको कि बहुत ही ये सोचने की बात है कि इसमें हार्ड सेट रीसेट करते वक्त आप इस मोबाइल में जो गूगल आईडी है उसको रिमूव कर लें। गूगल आईडी रिमूव करने के लिए मैं आपको बता दूँ, पहले आपको सेटिंग खोलना है। सेटिंग खोलने के बाद आपको जाना है, आपको आगे बढ़ते हुए अकाउंट एंड SYNC इसमें आपको जाना है, और इसके बाद आपको गूगल अकाउंट यानी SK Sarunda एंड अग्रेड ऐसे, ये मेरे पास अभी इस मोबाइल में जो है दो आईडी है, तो मैं एक आईडी को जैसे रिमूव करना चाहता हूँ तो इस पर ये SK Sarunda जैसे कुछ आ रहा है। तो आपको इसको करना क्या है कि कहीं नहीं दिखा रहा रिमूव का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे जो थ्री आपको जो मोबाइल के इस साइड में जो बटन बैक बटन होता है उसके जो दूसरा बटन होता है उसमें आपको प्रेस करना है। तो ये आता है, देख लीजिए रिमूव अकाउंट आ रहा है, तो आपको इसे रिमूव कर देना है। इसके बाद रिमूव करने के बाद जो भी जितने भी आपके गूगल अकाउंट है उसको आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको वापस बैक जाना है और सेटिंग में आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद नीचे आता है, देख लीजिए नीचे ना बैकअप एंड रिस्टोर ये आता है। बैकअप एंड रिस्टोर में आपको ये ऑन कर देनी है ये सेटिंग। ये जैसे ये सेटिंग ऑफ की हूँ मैंने, ये ऑन कर देनी है आपको। और इसके बाद इरेज डाटा सेटिंग ऑल, इस पर आपको ओके करना है इरेज डाटा पे। तो ये देख लीजिए बता रहा है ये दोनों अकाउंट आपके रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव होगा नहीं लेकिन बता रहा है आपको वेरीफाई मांगेगा ये। तो आपका ये सारे जो भी अकाउंट है मैसेंजर ड्यू मीडमेट वीगो वीडियो व्हाट्सएप ये सारे इरेज यहाँ पे ओके करने पर आपके इरेज हो जाएगा। और रीसेट फ़ोन इस पर आपको ओके करना है नीचे ही नीचे, तो आपका ये दो मिनट में इरेजिंग डाटा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आप इसको रिमूव करके ही हार्ड रीसेट करें तो अच्छा रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और आगे वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दें।